हे वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे। कोरोना वायरस में अपने घर होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, फैमिली को प्रॉपर टाइम दे रहे होंगे, बट सिर्फ यही मत कीजिएगा। राइट नाउ द टाइम टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बात बोली थी, और अगेन कैसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, क्या करें ये तो बताइए, बहुत सारे लोगों का सवाल था। चलिए बताती हूँ। नाम मेरा सोनम है और मैं बहुत सिंपल सी दिखने वाली लड़की। सिंपल सी क्यों? देखो मेरे पास भी 10 उंगली है ना, एक ही नाक है, दो आंखें हैं, दो कान हैं, शायद आप सब लोगों के पास भी है। और ये सिंपल सी लड़की महीने के 16 लाख रुपए कमाती है। अब आप सोच रहे होंगे क्या करती है, मैंने पहले ही बताया था मैं पाइपलाइन बिल्ड करती हूँ इसलिए कमा रही हूँ। मुद्दा ये है, आपको क्यों बताने आई हूँ, मैं खुद चाहती हूँ कि आप भी पाइपलाइन बिल्ड करके अथाह धन कमाएं, और मजे की बात आप ये कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये पहचानिए कि आप क्या हैं, आप कर क्या रहे हैं। और मेरा कोई उद्देश्य आपको नीचा दिखाना या आपको छोटा करना या आपको गलत साबित करना बिल्कुल नहीं होगा। दिल से सॉरी उन सब लोगों को अगर थोड़ी बातें हर्ट करें, बट वो हर्ट नहीं, वो एक रियलिटी है जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। आज आप अपने जहन से एक बहुत बड़ा सवाल कीजिए, क्यों सिर्फ कुछ लोग बहुत अमीर हैं और बहुत सारे लोग गरीब हैं? क्यों है ऐसा? द रीजन बिहाइंड दैट कि अमीर लोग पाइपलाइन बिल्ड करते हैं एंड गरीब लोग बकेट के लिए। अमीर लोग पाइपलाइन बिल्ड करते हैं एंड गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग पाइपलाइन बिल्ड करते हैं। चेक इट, आप क्या कर रहे हैं? अंदर समझाती हूँ। बकेट कैरिंग, देखिए बकेट कैरिंग क्या है। बकेट कैरिंग वो एक घंटा काम किया, एक घंटे का पैसा मिला, एक दिन काम किया, एक दिन का पैसा मिला, एक महीना काम किया, एक महीने का पैसा मिला, एक साल काम किया, एक साल का पैसा मिला, और जिस दिन काम करना बंद कर दिया उस दिन पैसा मिलना बंद हो गया। हाँ, अंतर है कि कुछ लोगों का बकेट साइज इतना बड़ा है, इतना बड़ा बोले तो 10-20 हजार महीना कमा रहे हैं। कुछ लोगों का बकेट साइज इतना है, 20,000-40,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। कुछ लोगों का बकेट साइज इतना बड़ा है, यानी 1-1.5 लाख महीना कमाते हैं। बट ऑल आर द बकेट केयरिंग यार, मीन्स जिस दिन बकेट उठाना बंद कर देंगे पैसा आना बंद हो जाएगा, काम करना बंद कर देंगे पैसा आना बंद हो जाएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो यू आर अ बकेट केयरर। एंड नाउ द कोरोना टाइम शायद आपको सोचने के लिए मजबूर कर दिया होगा कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हैं आप। अब आप लोगों से मैं एक सवाल करूंगी, और ये सवाल पूछिएगा अपने आप से आज। आज ये वक्त है अपने आप को एनालाइज करने का, आज ये वक्त है चिंतन मंथन का, आज ये वक्त है अपने आप को समझने का, और हम जहां जो काम कर रहे हैं उस काम से कहां तक जा सकते हैं उसको कैलकुलेट करने का। देखिए, यू आर इन अ बकेट कैरियर वर्ल्ड, तो आपके लिए बड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। भगवान ना करे, कभी भगवान ना करे ऐसा हो कल आप काम करने लायक ना रहो, किसी भी वजह से आपका काम रुक जाए। हो सकता है 2022-2025 इंटायर वर्ल्ड में बहुत बड़ा चेंज होगा। मशीनरी 52% काम करेगी, 48% लेबर वर्क रह जाएगा। रोबोटिक आ जाएगा 2025 में। आप क्या रोबोटिक में एक्सपर्ट हैं यार, क्या रोबोटिक का आपने पढ़ाई किया है? एट दैट टाइम बहुत सारे लोगों की जॉब खतरे में जाएगी, एंड ऑल जॉब पीपल्स, स्मॉल बिजनेसेस वाले लोग, दे ऑल आर द बकेट केयरिंग, यानी काम करना बंद कर देंगे पैसा आना बंद हो जाएगा। अब भगवान ना करे ऐसा हुआ, डिसेबिलिटी हुई, किसी तरीके से हम काम करने लायक नहीं रहे। राइट नाउ कोरोना टाइम में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लेकिन उस समय जब काम करने लायक नहीं रहेंगे पैसा आना बंद हो जाएगा, कितने महीने अपने घर की होम लोन देंगे आप, कितने महीने कार की किस्त दे पाएंगे आप, कितने महीने बच्चों की स्कूलिंग फीस दे पाएंगे आप? एक साल, 6 महीना, 3 महीना, या फिर 1 महीना भी नहीं? चेक कीजिए ना, कोरोना टाइम में तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, कर दिया ना, और करना भी चाहिए यार, महामारी है, क्योंकि इंसान की गलती नहीं है ना। लेकिन एट अ टाइम जब ये महामारी नहीं होगी, लेकिन एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आएगी, हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? कि अपने जहन से सवाल करना, कैसे करोगे अपने जहन से सवाल करना? बॉस, यू आर इन अ वेरी अनसिक्योर जोन। डराने नहीं आई हूँ, कोरोना वैसे ही बहुत डरा रहा है यार, मैं डराने नहीं आई हूँ, मैं तो एनालाइज कराने आई हूँ। अगर कोई चीज़ का हमें पहले से ही एनालाइज हो, पहले से ही पता हो क्या क्या हो सकता है, उसको कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो शायद हम उससे बच जाएंगे। आपको बचाने आई हूँ,
आपको बचाने आई हूँ और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि ये वीडियो जिसने भेजी होगी ना आपको, विनम्र निवेदन कर रही हूँ, उसको पता होगा पाइपलाइन कैसे बिल्ड होती है, इसलिए शायद उसने वीडियो आपके पास भेजी होगी। बात करना उसको, उसको पूछना यार, रास्ता बताना, ये सब तो ठीक है, रास्ता बताना, बात तो सही है, गॉट माय पॉइंट। बट पहला एनालाइज कीजिए कि कितने महीने आप सर्वाइव कर पाएंगे, कितने महीने। और पता है गलती आपकी भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, हम ना बकेट करियर वर्ल्ड में रहते हैं, मम्मी पापा चाचा चाची ताई ताऊ रिलेटिव आस पड़ोस सोसाइटी ऑल आर इन अ बकेट केयरिंग वर्ल्ड। सब वही बकेट उठा के लेके आ रहे हैं तो पैसा आ रहा है, यानी काम करने जा रहे हैं तो पैसा आ रहा है, काम करने जाना बंद पैसा आना बंद, बस बकेट साइज बड़ी बड़ी हो सकती है किसी की। मैं एक चीज और बताऊं, जिनकी बकेट साइज बड़ी है ना उन्हें और सबसे ज्यादा अनसिक्योरिटी है, क्योंकि हैवी रिसेशन के दौरान, आर्थिक मंदी के दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत वो बड़े खर्चे वालों को ही तो आएगी, छोटा व्यक्ति तो निकाल लेगा। अभी भी देखो इस कोरोना वायरस टाइम में जो ठेले वाले हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं या जो फल बेच रहे हैं, उन लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया, उन लोग अभी भी बेच रहे हैं, उनको निकलने का आजादी है, उनको बेचने का आजादी है, क्योंकि इंसान खाएगा, समझ रहे। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी सैलरी वाले लोग हैं और मजदूरी वाले लोग हैं, उन लोग का काम बंद हो गया, जो घर बनाते हैं या जो ना और भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम करते हैं और रोज धन कमा के लेके आते हैं, रोज की मजदूरी दिहाड़ी लेके आते हैं तो अपने घर को चलाते हैं, गॉट माय पॉइंट। सोचो कैसे मैनेज कर रहे होंगे वो लोग। तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दिया, चलो कि भाई कुछ दिन तक उनको राशन दे देंगे, बट जब ये मशीनरी ज्यादा काम करेगी, इंसान कम काम करेगा, तो एट दैट टाइम फिर कैसे मैनेज कर पाओगे। बहुत बड़ा सवाल कर रही हूँ, इस सवाल को ये मत सोचिएगा कि मैं आपको डराने के लिए कर रही हूँ, सवाल सिर्फ आपको एनालाइज कराने के लिए कर रही हूँ, बिकॉज अभी हमारे पास बहुत वक्त है, 21 दिन का लॉकडाउन हुआ है, हमारे पास बहुत वक्त है कि हम एनालाइज करें, थिंक करें कि मार्केट में क्या अपडेशन होने वाला है, मार्केट में किस लेवल पर हम लोग जा सकते हैं, अपना हमारी क्या तैयारी है, बैकअप तैयारी क्या है, कुछ इस तरीके की चीजें होती है तो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, ये सब चीजों को एनालाइज कराने आई हूँ। तो पहली चीज एनालाइज कीजिए, यू आर अ बकेट केयरिंग वर्ड, और अगर आप कल बकेट उठाने बंद कर देते हो तो अपने घर की किस्तें, गाड़ी की किस्तें, बच्चों की स्कूलिंग कैसे मैनेज करोगे, गॉट माय पॉइंट। और अगर ये चीजें आपको सोचने के लिए मजबूर कर रही है तो जिसने वीडियो भेजी है उससे बात करना, उससे बात करना, उसे पाइपलाइन बिल्ड करनी आती है। और मजी बात बताऊं, बिकॉज वी आर इन अ बकेट केयरिंग वर्ड, इसे 95% लोग बकेट केयरेंगे, 5% लोग हैं जो पाइपलाइन बिल्डर हैं, दे आर रिच एंड आई नो वेरी वेल कि आप भी रिच होना चाहते हैं, आई नो वेरी वेल कि आप भी पाइपलाइन बिल्ड करना चाहते हैं। हम आपके ब्रेन में ये सवाल चल रहा होगा, पाइपलाइन बिल्ड कैसे होती है, पहले ये समझिए पाइपलाइन बिल्डर होते कौन है। ये वो लोग हैं जो एक बार अपनी पाइप को बिल्ड करने में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये सोते हैं ना तो भी इन्हें धन आता है, जब ये खेलते नहीं तो भी धन आता है, घर बैठे रहते तो भी इन्हें धन आता है, जब ये घूमने जाते हैं ना तो भी धन आता है। सोचिए दे आर अ वेरी सिक्योर पर्सन यार, इन्हें बड़ा मजा आता है। और मजे की बात, हम 95% लोग ही नहीं, 5% लोगों के लिए काम करते हैं। सोचो कैसे, पता है जब आप जॉब करते हो डायरेक्टली आप उनके लिए काम करो, HCL में है ना, टाटा के में, बाटा में, रिलायंस में, इफ यू आर वर्किंग इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, दे आर अ पाइपलाइन बिल्डर एंड यू आर अ बकेट कैरियर, राइट। जब आप ना किसी की सिम यूज करते हो, सिम कार्ड यूज करते हो, इनडायरेक्टली आप काम कर रहे हो उन पाइपलाइन बिल्डर के लिए। आपका बच्चा जिस बड़े स्कूल में जा रहा है, अगेन आप काम कर रहे हो पाइपलाइन बिल्डर के लिए। आप शॉपिंग करने जा रहे हो, पाइपलाइन बिल्डर के लिए काम कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं बोल रही कि इनसे शॉपिंग नहीं करने जाना, स्कूलिंग नहीं करना, इनका सिम यूज नहीं करना, इनका जॉब नहीं करना, मैं बस ये समझाना चाह रही हूँ दे आर अ पाइपलाइन बिल्डर और हम सब इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। कैसा हो कि आपके लिए एक पाइपलाइन बिल्ड हो जाए, लोग आपके लिए काम करें। यस यू कैन, बस आपको पता तो होगा कैसे। जहन में अभी ये सवाल उठ रहा होगा, पाइपलाइन बिल्ड कैसे होगी मैडम, ये बताओ, जिसने वीडियो भेजी उससे पूछो। बहुत सिंपल 3 स्टेप है, फिर भी बता देती हूँ। फर्स्ट, पाइपलाइन बिल्ड कैसे होती है इसे समझो। दूसरा, ये पाइपलाइन बिल्डर जो है ना, इसका प्रूवन सिस्टम क्या है। तीसरा, इस प्रूवन सिस्टम को कुछ समय के लिए फॉलो कर लो। कट माय पॉइंट,
थ्री सिंपल स्टेप. फर्स्ट, पाइपलाइन बिल्ड होती कैसे, इसका प्रूवन सिस्टम क्या है, और इस प्रूवन सिस्टम को कुछ समय के लिए फॉलो कर लो, आप भी पाइपलाइन बिल्ड कर लोगे, आप भी पाइपलाइन बिल्ड कर लोगे. चलिए एक और क्लू दे देती हूँ, एक और क्लू दे देती हूँ. वर्ल्ड वाइड आप टेस्ट एंड प्रूवन सिस्टम इज नेटवर्क मार्केटिंग. नहीं बिलीव है, बहुत बड़े बड़े कोटेशन है बॉस, वो भेजेगा आपको, जिसने मेरी वीडियो भेजी है शायद वो आपको भेज दे. बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे कई कई दिग्गज बोलते हैं अगर उनके करियर को फिर से उन्हें शुरू करना पड़े तो पता है वो लाखों करोड़ों कहां बनाएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बनाएंगे. द चूज द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री. अभी एरिक वरी का एक नया बहुत बड़ा कोटेशन आया अभी, अरे एरिक वरी का इज अ वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर, राइट, मतलब एक बहुत ही सफल व्यक्ति है. कहते हैं कि अगर कोरोना वायरस ने आपके व्यापार को इफेक्ट किया है तो जरूर आज ही अपने किसी नेटवर्क मार्केटिंग वाले दोस्त को बात करो यार, अभी करो बात, आपको करना चाहिए. नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रूवन सिस्टम. प्रूवन सिस्टम मतलब प्रूवन सिस्टम. आज ही डालो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री डाटा निकालो, यूएस, चाइना, जापान, कोरिया, ये सारे क्या अनडेवलप कंट्रीज हैं, दे आर डेवलप कंट्रीज, और वर्ल्ड वाइड एक बड़ा टर्नओवर पता है इन्हीं कंट्रीज से आ रहा है, इन्हीं कंट्रीज से आ रहा है. एंड वी ब्लेस्ड, इंडिया में तो अभी शुरुआत हुई है. पूरे विश्व में मात्र 0.65% भागीदारी है हमारी, 1% भी भागीदारी नहीं दे रहे हमें हम अभी, पता है ये गुड न्यूज़ है. गुड न्यूज़ पता है क्यों बोल रही हूँ, गुड न्यूज़ सोचो क्यों बोल रही हूँ. कहते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में शुरुआती दौर में जब आप आते हो ना, बूम, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में